अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हाँ एम्बेसडर जॉब्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो हमारे हमने आपको बताना है जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुतालिक कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म कैसे होगा और हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, आज हम इसके मुतालिक आपको बताएँगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुतालिक। सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। जब हम गूगल को ओपन करेंगे वहाँ पर हमने लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब 2022 लिखा है, इसको हमने ओपन करना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजीर यानी कि जॉब 2022। इसको हमने क्या कर लेना है, पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये हमारे पास लिखी हुई है सैलरी पैकेज जो हमारे पास है 30,000 है, जिस अखबार में है वो क्या है डेली एक्सप्रेस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इसको हम ओपन करेंगे। जो पोस्ट हुई 4 दिसंबर को और जॉब जो टाइप है हमारे फॉर गवर्नमेंट है और उसके जो कंपनी में वो क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसको हमने ओपन किया। लास्ट डेट इसकी 19 दिसंबर 2022 है। हमने क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगा कि हमने अप्लाई कैसे करना है, आज हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सैलरी ऑफर है वो 30,000 है डेली एक्सप्रेस है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। हमारे पास पोस्ट जो 4 दिसंबर 2022 है, जॉब टाइप फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी लोकेशन है। ठीक है, इसको हमने ओपन करते जाना है। ये हमारे पास दे रहा है जॉब, तो हम इसको ओपन करेंगे। जॉब असिस्टेंट की है 15वां स्केल है, DR के ये 4th स्केल है, ड्राइवर 4th स्केल है, खुशराब यानी कि 1 स्केल है, इसी तरह हमारे पास ये सारे स्किल है, हमने इसको देख लेना ये जॉब्स। इसको भी हमने करना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब 2022 है। हमने अप्लाई कैसे करना है, इसको ऑनलाइन हमने अप्लाई करना है। हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करने पर ये हमारे पास वेबसाइट देगी, इस वेबसाइट को हमने ओपन करना है। जो हमने इसको सेंड करना है वो ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में ये हमने आपको बताना है। 1 से 3 तक जो वैकेंसी है इसको हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 1 से 3 तक इसको ऑनलाइन अप्लाई करना। इसका फॉर्म वही ऑनलाइन वो वहीं से मिलेगा, उसको हमने ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद ये हमारे पास वैकेंसी ये वेबसाइट देखी है, 4th से 6th से जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हम लोगों ने बदरिया डॉक की तरफ पोस्ट करना है। ये हमारे पास वैकेंसी है, इसको हमने वो करना है, वो कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको हमने सब चीज़ को रीड करना है। ये अकाउंट नंबर है, इसका जो चलान होगा वो बैंक अल हबीब लिमिटेड के वो वहाँ जाकर हमने जमा कराना है। उसके बाद हमारे पास है एडवाइजमेंट है, एडवाइजमेंट हमने क्या करना है, ये हमारे पास है असिस्टेंट की है, UDC की है, ड्राइवर की है और DR बस यानी इसकी तमाम स्किल है। असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, 2 पंजाब की है, 1 बलूचिस्तान की मोनिटराइज की है, इसकी जो एज 18 से 28 है। स्टैंड असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज हैं हमारे पास, पंजाब की 1 है, 1 सिंध अर्बन की है, 1 बलूचिस्तान की है, इसकी जो एज 18-25 है ये इंटरमीडिएट है, इसकी जो स्पीड हमें मैक्सिमम 80 से 40 के दरमियान स्पीड होनी चाहिए। आगे हमारे पास UDC है, UDC में हमारे पास 11वां स्केल है, इसमें 2 वैकेंसीज है, 1 पंजाब की, 1 सिंध की है, सिंध। उसके बाद हमारे पास जो एज है वो 18 से 25 तक है, ये भी इंटरमीडिएट के लिए। आगे हमारे पास ड्राइवर है, इसकी 4th स्केल है, इसकी 2 वैकेंसीज हैं, तो इसको हमने प्राइमरी पास इसका बकायदा वो लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए। आगे हमारे पास DR है, DR में 1 वैकेंसीज है, इसकी जो 18 से 30 तक है। आगे खुजराब है, इसमें पहला स्केल है, ये लोकल बेस है, इसकी क्या है जो 18 से 25 तक। ये हमारे पास वेबसाइट देखी है, सबसे पहले हमने 1 से 3 तक जो इसको हमने इसके बदले चलान होगा, इसको जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे वहीं से चलान मिलेगा, उसी को आप लोगों ने क्या करना है बैंक अलाबी में जमा करवाना है। उसके बाद जो हमने 4 से 6 तक है उसको हमने बदरिया डॉक को पोस्ट करना है, वो हमारे पास लिखा हुआ है, जो एड्रेस मोहम्मद ओवैस करियानी सेक्शन ऑफर ये सारा हमने लिखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोटेक्शन पार्क्स ये सब वो लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने क्या करना है ये डाक के जरिए करना है। इसको हमने फिलअप करने के बाद इसको डाक भेजेंगे तो हमने इसको अप्लाई कर लेना है। अब हमने कुछ ये हमारे पास सारी वैकेंसीज आ चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मतलब हम आपको बता चुके हैं। अब आप लोग
जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना, ताकि हमारी नई भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।